पिताजी। ठीक है तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। अगर तुम यहाँ तक आई गए हो तो यहाँ से ड्राइव भी कर लेना। पर प्राची, प्राची यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि वो अभी भी यहीं है? उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ मैं, शायद इसलिए। मैं उसे इतना याद कर रही हूँ कि हकीकत ही भूल गई। रणबीर अब नहीं है। जिस जीप से उसे शिफ्ट कर रहे थे वो जीप खाई में गिर गई। रुकिए मैडम, बॉडी का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है, आप इसे नहीं देख सकते। और अगर वो यहाँ होता तो मेरे पास जरूर आता। सच ये है कि वो यहाँ नहीं है, वो नहीं है अब यहाँ। हुआ तो नहीं तुझे? कुछ चोट तो नहीं आई? जली तो नहीं? दिखा मुझे, दिखा सब, दिखा। ये क्या है? जल गया ना? नहीं माँ, थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तू बताएगी मुझे टेंशन लेनी है कि नहीं लेनी है? क्या हो गया? मैं बोल रही थी मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, नहीं सुननी है तुझे? आशुतोष उस पर भरोसा करना ही बेकार है। देख क्या हो गया, जल गया ना? माँ क्या? माँ तुझे कुछ हो जाता, कुछ कुछ बड़ा हो जाता तो मैं क्या करती? जिंदा नहीं रह पाती। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं डर गई थी, बताए तुझे क्या हो गया? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। देखो थोड़ी सी खरोच आई और वो ठीक हो जाएगी, आप मत टेंशन लो। और वो आशुतोष ना माँ, वो अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं। वो तो पता है मैं कोई गलती नहीं है, जिम्मेदारी थी उसकी। मुझसे कहा उसने कि मैं ध्यान रखूंगा? नहीं किया। और तू भी कुछ कम नहीं है, अपनी बहन खुशी की तरह बत्ती जा रही, बस किसी की बात नहीं सुन। तू और खुशी मत मानो, मत सुनो मेरी बात, मत मानो, जाओ यहाँ से। माँ देखो थोड़ा सा जला, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा जला है, ये थोड़ा सा है। एक खरोच भी आती है ना तुझे या खुशी को, मेरी जान निकल जाती है, पता नहीं तुझे? थोड़ा सा जला है। माँ आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। और वैसे मैं मानती हूँ ना, आई नो आप सब मेरे अच्छे के लिए बोलते हो। पता सब होता है, फिर भी नहीं करती अपनी। क्यों किया तूने ऐसे? क्यों गई वहां? मुझे अभी क्या अभी बच्चे फंसे हुए थे और नहीं चाहते ना, कोई नहीं बचाते तो कुछ ज्यादा हो जाता। और आपको पता है वो तो वहां पे आर्वी आ गया, उसने सबको बचा लिया। और माँ अच्छा सुनो, आप खुद मुझे बताओ, जब मुझे पता चला वहाँ पे बच्चे फंसे हुए तो क्या मैं उन्हें बचाने नहीं जाती? आग बंद कर ली थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बचाते ना उन्हें, इसीलिए मैं अंदर गई। तुझे पता कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग में मुझे? मुझे डर लग रहा था कि तुझे कुछ हो ना जाए। मैं क्या करूंगी तुझे कुछ हो गया तो?
I'm sorry. मैं ना पूरी बात जाने तुझे डांटने बैठ गई हूँ मैं. माँ आपकी डांट में भी आपका प्यार है. देखो एकदम ठीक हूँ मैं. लेकिन ये सही है, खुद ही अच्छे संस्कार दो, खुद ही डांटो और फिर खुद ही रोने लग जाओ. ये कहाँ का लॉजिक है? मार खा गया पूरी. अच्छा छोड़, तू बातें करने बैठ जाती है बस. ये ले 5,000 मांगे थे तूने, ये ले. ठीक है माँ, ये आधों की जरूरत है, बाकी आप रख. क्यों? क्योंकि अरे वो जिन्होंने मेरी चोट पे मरहम लगाया ना, उन्होंने आधा बिल भर दिया. अरे उनसे लेने की क्या जरूरत है, हम दे सकते, तू दे वापस के लिए. माँ मैंने उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने नहीं माना. लेकिन आपको पता है वो बहुत अच्छे इंसान थे. आई रियली विश कि हमेशा खुश रहे. ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ फोना थोड़े सैड थे, आई मीन अंदर से ना बहुत बुझे हुए थे. अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को बहुत मिस कर रहे थे. तुझे कैसे पता? वो उन्होंने खुद बताया. लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी अजनबी से इतनी सारी बातें शेयर कर दी जो शायद नहीं करना चाहिए था. नहीं करना चाहिए था. एग्जैक्टली, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. अनजान इंसान से हम सामान ले रहे, तुमने जाके अपने दिल की पर्सनल फीलिंग जाके बता दी. वेरी बैड. रणबीर यू आर नॉट हेल्पिंग राइट नाउ. मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ. मुझे पता है मैंने गलत किया, मैं रिग्रेट कर रही हूँ. और मुझे पता है उसको नहीं बता रहा. मैंने पता है, मैंने बोला भी कि ये पर्सनल बात है, मैं नहीं बता सकती, मेरी लड़ाई हुई है. पर मैं गुस्से में भी थी इसलिए जो दिल में आया मैंने बस बोल दिया. कभी कभी ना हम अपनों के सामने ना इतनी फ्रीली बात नहीं कर पाते, लेकिन अनजान लोगों के सामने फ्रीली बात कर लेते. पर ऐसा क्यों? उसका उल्टा होना चाहिए ना. यू आर राइट, होना तो ऐसा ही चाहिए. लेकिन जो अनजान लोग होते ना वो हमें जानते नहीं, तो हमारी किसी बात का उन पर इफेक्ट नहीं होता, हमको जज नहीं करते. ऐसी बात बताऊ, तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसने दिल की बात स्ट्रेंजर से कर ली. मैंने भी कई बार अनजान लोगों से अपने दिल की बात बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ. एग्जैक्टली. आई एम नॉट सरप्राइज, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तो डाउट ही नहीं. पर उसके बाद ना थोड़ा रिग्रेट भी होता है. जैसे तुम्हें अभी हो रहा है ना, मैंने क्यों बता दिया, मुझे भी होता है. ठीक है ना यार, एलेक्स मुझे यार मत बुलाओ, पकड़ो. माँ माँ क्या हुआ? कुछ नहीं. एक्सक्यूज मी मैम, रिसेप्शन पर आपके लिए फोन है. मेरे लिए? जी मैम, वो कह रहे हैं अगर आप आसपास है तो आपसे बात करवा दूं. किसका फोन है? पता नहीं, मैं चेक करके आती हूँ. ठीक है चल. ओके मैम. हेलो. थैंक गॉड तुम मिल गई. हाँ मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया था. सॉरी किस लिए? तुम्हें इतनी रात को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया, उसके लिए आई एम सॉरी. नहीं 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 सॉरी की जरूरत नहीं. इनफैक्ट सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपसे हेल्प ही मांग ली, इतनी देर रात यहाँ भी लाई, आपको लेट हो गया होगा ना. नहीं उसके लिए सॉरी मत बोलो. हाँ अगर मुझे अमीर अमीर बोल बोल के डांटने के लिए सॉरी बोलना चाहती हो तो उसके लिए बोल दो. वैसे उसके लिए भी मत बोलो, बहुत टाइम के बाद ऐसे किसी ने डांटा, ऐसे हक जताया. वैसे मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, तुम अकेली हो ना? नहीं नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ आ गई है. और आपको पता है आप थोड़ी देर रुकते ना तो मैं उसे मिलवा देती और आपके आधे पैसे वो भी लौटा देती. हमारी 50-50 की डील हुई थी, उसको बोलना नहीं है आपको. ओके? यस. वैसे डील ना एक प्रॉमिस होता है, तो अब तुम प्रॉमिस मुझे दे चुके हो, तो अपना प्रॉमिस निभाओ. कौन सा प्रॉमिस? अच्छा तो तुम झूठ भी बोलते हो. रणबीर आई विश तुम यहाँ होते, अपनी बेटी को देख के तुम्हें गर्व महसूस होता. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ, जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता, खुद से भी नहीं. लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो. तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं. तुम्हारी माँ ने तुम्हें काफी अच्छे संस्कार दिए हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. हालांकि तुम एक अजनबी हो, पर फिर भी आप भी तुझे डांट रहे हैं. नहीं माँ डांट नहीं रहे, कह रहा है कि बहुत प्राउड फील कर रहा है और तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए. अगर तुम्हारी मम्मी वही है तो मैं सीधा उनको ही कॉम्प्लीमेंट दे देता, वैसे भी उनके लिए था. बात कराओ. हाँ वो यही, एक सेकंड बात करवाती हूँ. माँ बात करो मैं. अरे करो ना. अच्छा अच्छा. हेलो. 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 अरे क्या टाइमिंग है,
नेटवर्क को भी अभी जाना था। हेलो, आवाज नहीं। हेलो, फोन कट गया शायद। नेटवर्क इशू होगा। हाँ, पर बात हो जाती तो अच्छा होता, वो पैसे की बात करती ना लौटाने की। आई नो, हम एक काम करते हैं ना, रिसेप्शन से उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर निकाल लेता है, फिर उनसे मिलके उनके आधे पैसे भी लौटा देंगे। आप एक्सक्यूज मी, यस, आप मिस्टर कृष्णा कक्कर का एड्रेस और फोन नंबर दे सकते हैं? या श्योर, ओके, ये दिस वन। माँ, आपका फोन दो ना, फॉर्म की फोटो ले लीजिए। हाँ, आ गए, थैंक यू। जला दे इस खटारे को, तालाब में फेंक दे, बेच दे, और जिसको बेचे उसको 1,00,000 रुपया देना। 1,00,000 से ज्यादा का खर्चा इसमें क्यों लेके आए इसको भाई? अबे इससे अच्छे बैलगाड़ी लेकर आते तो उसका पीछा कर लेता मैं। साले तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के नमूने। ये बॉडी गार्ड होते हैं, ये वर्दी उतार दो, सब कुछ फेंक दो, धोती मोटी बनकर हरिद्वार चले जाओ दोनों। चला कितना अच्छा मौका था, उसकी गर्दन में लड़ सकता था मैं, उसको दबोच के ऐसा मर, सब फेल कर दिया तुम दोनों ने, किसी काम के नहीं हो, निकम्मे कहीं के। भाई शांत रहिए, आप नशे में अभी। भाई, तेरे बाप के पैसे की बीता हूँ, मेरे बाप के पैसे की बीता हूँ मैं, अंदर मुझे टोका ना, मार दूंगा तेरे को मैं। वो साला 2% का आर्मी मेरी बेइज्जती की सबके सामने। अबे जस्सी भाई, वो लोग पैर झुके जाते हैं, जस्सी भाई की बेइज्जती की, और वो भी किसके सामने? मेरी पूर्वी के सामने, मेरी पूर्वी के सामने बेइज्जती। साला मुझे हीरो बनना था, वो हीरो बन के चला गया। नहीं रे 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 रे, रावण की आग तो बुझ गई, पर जो आग उसने मेरे अंदर चलाई है वो फैलेगी, और वो तभी बुझेगी जब मैं उसको खून कर दूंगा, उसको साले को मार दूंगा मैं। साला मेरा नाम लेकर तो उसकी उसकी रोक आप उठेगी, और तब जाकर ना पूर्वी के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी। पूर्वी भी ना, वो भी उल्टी खोपड़ी की, उसे लगता है कि मैं कोई गुंडा हूं मवाली। मैं गुंडा मवाली नहीं हूं मैं। कितना प्यार करता हूँ मैं उसे यार, मतलब आशिक को दीवाना थे, तड़पता हूँ उसके लिए यार। लेके चलो मेरे को भाभी के पास, लेकर चलो भाई। सुनना, पूर्वी का ऐसे चेहरा पकड़कर ऐसे घंटों तक देखते रहना, और फिर उसको कस के गले लगा लेना है। भाई अभी आप नशे में हो भाई, ये सब कुछ हो सकता था। मैंने उसको मना लिया था, शादी के लिए मान भी गई थी, पर वो आर्मी क्यों आया हो बीच में? अबे यार, तू जानता है मैं पूर्वी से कितना प्यार करता हूँ, तू भी जानता है ना, तुम दोनों सॉरी हो, मैंने थोड़ा बदतमीज, मैं कितना प्यार करता हूँ तुझे पता है ना, हैं कितना प्यार करता हूँ यार मैं। जब उसको पहली बार देखा था ना, तो मतलब उसको जैसे ही देखा ना, आंखों में से कब दिल में उतर गई पता ही नहीं चला यार। और उसने जब ऐसे खींच के मेरे को लाफा मारा था पता है, अरे यार वो लाफे ने मेरे को आशिक बना दिया यार उसका यार। मेरे को लेकर चले, मेरे को लेकर चले भाई। अभी आप बैठिए भाई, ये दोबारा टोका ना, यही का यही मार दूंगा। चले औकात मेरे अपनी, हम चले। चलेगे ना तो गाड़ी को तेरे बाप चालू करेगा, गाड़ी चालू कर। अभी आप बैठो, ये गाड़ी चालू कर, तू चलते 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 भाई, चलते भाई। लोग कहते हैं कि शराब खराब चीज होती है, और शराब ने अच्छी चीज कर दी इन्हें बेहोश करके। चलो लेकर चलते हैं घर पे इनको। ठीक है भाई। मनप्रीत, तबीयत कैसी है अब तेरी? अब बेहतर है दीदी, लेकिन सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है। आपका पैर कैसा है? ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है। ओहो, कुछ भी कहे, लेकिन उस आग ने ना एकदम तांडव मचा दिया था, हाँ सबकी हालत खराब करके रख दी।
मैं तो ये हिसाब लगा रहा हूँ कि इस आग ने हमारा कितना नुकसान कर दिया। ये लो गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, चाय तूने बनाई? बच रही ना सबसे, पूर्वी को छोड़ के आ गई ना, डर रही है कहीं डांट ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डांट से डर नहीं लगता है, मुझे तो रोज डांट खाने की आदत हो गई है। हर कोई सुबह से लेकर शाम तक मुझे बस डांटता ही रहता है। वो है ही इसी लाया। मैंने सोचा कि आप लोगों को चाय पीने की इच्छा हो रही होगी, इसलिए मैं बना लाई। कुछ खा लेना ठीक है प्राची? तू ठीक है बेटा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? इसे लेने गई थी, ये आ गई, अब ठीक है। पूर्वी दी, तू क्यों जलस फील कर दी है? तेरे लिए मैं हूँ ना बड़ी मामी का, तुझे पता है ना, वो तो सिर्फ तेरे माँ से प्यार करती है। मैं बोला तेरे लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बड़ी मामा से प्यार करती है तो। कुछ भी, तू चुप कर। तेरा ध्यान रखने के लिए प्राची है ना, प्राची का ध्यान कौन रखेगा? लगो आपस में गले लगो। मेरी खुशी चली गई है ना अपने घर, वरना वो यहाँ होती ना तो मैं उसे गले लगाती। हाँ आई नो, आपकी तो वो सुपर फेवरेट है ना। बिल्कुल है। अरे भाई, इस कोई बुजुर्ग की भी सुनेगा, सब लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, सबके पास कोई ना कोई प्यार करने के लिए, और मेरा क्या? मैं करती हूँ ना आपसे प्यार, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी सुपर फेवरेट हो। अरे तू भी तो मेरी जान है पुत्र। अरे मैं फिर? और तू भी? और मैं? ओ पुत्र, तू तो सबसे पहले है। लो शुरू हो गया इनका बचपना। अरे भाई, ये सब लोग बच्चे हैं तो मैं भी इनके साथ बच्चा बनूंगा ना, तो बचपना तो अपने आप आएगा ही। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। पूर्वी हाथ मुंह धोके कुछ खा लेना, बहुत थक गई है, आज के दिन में क्या क्या हुआ है, और सब आराम कर लेना, अभी सारी बातें कल कर लेंगे ठीक है? चलो भाई चलो, चले उठ जाइए। माने क्या कहा, आराम करेंगे, फिर होगे कोई प्यार नहीं करता, आराम करो भाई चलो। अरे कोई वो आशुतोष और बीना को फोन करके कह दो पूर्वी आ गई। मैं करती हूँ। हाँ वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। कृष्णा कक्कर। पूर्वी? हाँ। दरवाजा बंद कर दे। ठीक है तू जा, मैं आती हूँ। सर घर पर कोई नहीं है। नहीं, अब छोटे तो हक से डांट देते हैं और बड़े शिकायत करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप किसी बड़े को भी मिस कर रहे हो, किसी छोटे को भी मिस कर रहे हैं। बड़ा मतलब आपकी वाइफ और छोटा मतलब मैं, आई मीन मेरे जैसी आपकी बेटी। लेकिन यहाँ तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, यहाँ तो मुझे मेरे डैड, आई मीन डैड जैसे आपने कहा ना। मुझे लगता है वादे ही तो होते हैं जो दो लोगों को जोड़ देता है और एक रिश्ता बना लेता है। कितना खुश थी वो, बिल्कुल मेरी खुशी की तरह, अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, बिल्कुल प्राची की तरह। झूठा जग रैन बसेरा। हाँ स्माइल करते तो ज्यादा अच्छे लगते हो। साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा, शायद मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना नहीं लिखा था। मैंने तुम्हें भगवान से हर दिन मांगा, मेरी पूरी की पूरी दुनिया तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो, मेरी सारी प्रार्थनाओं का नतीजा तुम हो। I love you a lot, beta. And I miss you. I miss you. आप रणबीर कपूर जैसे कितने क्यूट क्यूट हो।
कम इन। पूर्वी दी कितना टाइम लगाएगी? पूर्वी दी जल्दी आना। पूर्वी दी क्या है, ना शोर क्यों मचा रही है? तू इधर आना जल्दी, चल चल जल्दी। तुझे पता है दिया, एज के साथ ना लोग बड़े होते हैं, लेकिन तेरे साथ पूरा उल्टा है। तू तो छोटी होते जा रही, कितना बचपन है तेरे अंदर। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अब तू बैठ जल्दी। अब इसमें से एक चूज कर। ये क्या है? शिट है। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? दी तू ना अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, कितने सवाल करती है, एक चूज कर ना। ओके मैम। अरे रुक, मैं खोलूंगी। क्या है इसमें? अरे खोलूंगी तब देखूंगी ना। आबरा कडाबरा खुल जा सिम सिम। आर्मी आरवी? आरवी का नाम आया दी। यस। पर तूने इसमें आरवी का नाम क्यों लिखा है? दी देख, मैंने दो चिट्स बनाए, एक में मैंने आशुतोष का नाम लिखा और दूसरे में आरवी का। और भगवान जी से कहा कि जो मेरे दी के लिए बेस्ट है, सुपर बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट, उसका नाम आ जाए, और तूने आरवी चूज किया। अब समझी, आरवी तेरे लिए बेस्ट है। क्या हुआ ये बताना पड़ेगा क्या? गाड़ी रुक गई। हो, मुझे लगा तूने रोकी इसलिए पूछा। क्या हुआ इसको? क्या हो गया अभी? ऐसे कैसे रुक गई गाड़ी? देख के पता चलेगा क्या हुआ है। ऐसे कैसे बता? सही है, देख के पता चलेगा क्या हुआ है। लगता है बारिश होने वाली है, मैंने कपड़े सुखाए थे, वो गीले हो जाएंगे, मैं उन्हें उठा कर लेके आता हूं। अरे दी, मैं तुझे लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट लेसन दे रही हूँ, तुझे कपड़ों की पड़ी है, या तू चुप कर। लेकिन दी आरवी तेरे लिए बहुत बेस्ट है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरा दिमाग क्या दी, ये चीज तूने चूज की ना। अरे चीज चूज की तो आरवी तेरा। दिया तू ना सच में पागल है, मैं सही कहती हूँ, बहुत बचपन है तेरे अंदर, कुछ भी बकवास कर रही है। पर दी मैं तो हो गया, बैटरी का वायर लूज था। बैटरी का वायर लूज था, वो भी यहां? अजीब है यार। सारे वादे वादे रह गए आधे, है कुसूर क्या, है कुसूर क्या?
जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या क्या हुआ डूड दुनिया दीवानी इश्क न जाने दुनिया दीवानी इश्क न जाने भाई मुझे ना कुछ लग रहा है क्या भगवान जी के दिमाग में ना कुछ चल रहा है चल अभी ज्यादा बात मत कर चलते हैं यहाँ से दिया तू आ गई कपड़े लिए बारिश होने वाली बहुत सारे कपड़े उतारने दी फिर से कपड़े वो यहाँ आया था तूने देखा नहीं कौन आया था दी वो यहाँ आया था अभी जस्ट गया मेरे सामने कौन आया था आरवी 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 क्या आरवी क्यों आएगा यहाँ पे हाँ यहाँ आया था वो तुझे देखने के लिए तुझे ताड़ने के लिए आया था दिया बहुत बेकार की बातें हुई कुछ भी बोलती रहती है ऐसा कुछ नहीं है मतलब आरवी अच्छा नहीं है ये मैंने कब कहा मतलब अच्छा है दिया वो अच्छा इंसान है तुझे भी अच्छा लगता है ना हाँ मतलब दिया वो अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा ना और ये जो भी तू सोच रही ना सब कुछ नहीं मेरी शादी हो रही है आशुतोष से दी पर तू मेरी बात तो सुन दिया बस बहुत हो गया बहुत बेकार की बात हो गई अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी बुद्धू हट जाओ ये नहीं समझ रही है पर मैं समझ रही हूँ आप कुछ बड़ा चक्कर चलाने वाले हो चलो चलो मैं हूँ ना आपके साथ आप प्लान बनाओ मैं हेल्प करूंगी डील